एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, प्रिया इंडियन ब्लॉगर। तो ये जो ब्लॉग है वो है 1 तारीख का। 1 तारीख को था बुधवार और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कपड़े। तो अभी बजे थे मॉर्निंग के 8:30। मैंने मॉर्निंग के 8:30 बजे से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो झाड़ू लगा चुकी हूँ। मैंने सोचा पोछा लगाने से पहले, मैं जब तक पोछा लगाऊंगी तब तक मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे, मशीन में कपड़े लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर मशीन में कपड़े लगाऊंगी। सबसे पहले मैं अनन्या और अपने कपड़े धोती हूँ। अनन्या और अपने कपड़े साथ इसलिए धोती हूँ, धो लेती हूँ, ठीक रहता है। हस्बैंड के कपड़े अलग धोती हूँ क्योंकि उनके कपड़े ऑफिस के होते हैं और कुछ बहुत ही डेलिकेट कपड़े होते हैं, इसलिए उनको अलग धोती हूँ। तो बस वही कर रही हूँ और इसके बाद पोछा लगाऊंगी। और धूप आज अच्छी निकली है सुबह से। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा, जैसे कि आपको बताया था झाड़ू पहले ही लगा चुकी हूँ। और बकेट मैंने बाहर निकाल लिए, क्यों? क्योंकि अंदर हो रहा है बाथरूम में पानी गर्म। अनन्या के लिए रॉड में लगा रखा है तो पोछे के छींटे वगैरह पड़ सकते हैं, इसलिए बाहर रखा है। और करंट वगैरह लगने का भी डर है। तो मिलती हूँ बाद में, बाय। यहाँ पर अनन्या नहाने के लिए जाने वाली है। पोछा लग गया है यहाँ पर हॉल में, तो उसकी मस्ती शुरू हो चुकी है नहाने से पहले। तो पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। टाइम हो गया था 9:30, तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अनन्या को उसके पापा नहला रहे हैं। और दूध आ गया था हमारा। एक्चुअली दूधिया हमारा आता नहीं है घर पर, पहले पर्सनली घर पर जाता था सबके देने। तो अब बंद हो चुका है जब से कोरोना वायरस आया है। तो वो जो सोसाइटी गेट है उसके पास, वहाँ पर बैठ जाता है दूध लेके। तो सोसाइटी वालों को फ़ोन करता है तो सब सोसाइटी वाले एक एक करके दूध लेने जाते हैं। वैसे पर्टिकुलर टाइम पता है लोगों को, तो वो हम लेने गए थे, यानी कि हस्बैंड लेने गए थे, तो वो लेके आ गए। मैंने दूध छान के यहाँ पर चढ़ा दिया है और साथ ही साथ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। उसमें मुझे बनानी है गोभी आलू की सब्ज़ी, तो बस उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हस्बैंड नहला रहे थे तो मैंने सोचा सब्जी में तड़का ही लगा लेती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो ब्रेकफास्ट में मुझे बनाना है गोभी आलू की सब्जी और पराठे, हस्बैंड की डिमांड है। तो बस कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, जीरा हो गया है। तो उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें चॉप अनियन और प्याज। और हम अनियन खा ले रहे हैं नवरात्रों में क्योंकि हमारे नवरात्रि के व्रत नहीं है किसी कुछ बेस पे। एक्चुअली मेरे ससुराल से फ़ोन आया था कि इस बार नहीं रखने हैं, कुछ हो गया है, इसीलिए हम प्याज और लहसुन खा ले रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया, कमेंट मत करिएगा गलत गलत। तो प्याज और हरी मिर्च हो गए थे, उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लिया है। अब इसे भी 2 से 3 मिनट तक मैं फ्राई करूंगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट पक गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सॉल्ट ताकि जो हमारा टमाटर है वो जल्दी पक जाए। तो पक गया, इसमें ऐड करूंगी रूटीन के मसाले, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। नमक पहले से ऐड कर चुकी हूँ और इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी मटर क्योंकि रखी हुई थी, ख़राब होती। और मटर ऐड करने के बाद उसे 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी स्लो टू मीडियम फ्लेम में क्योंकि मटर फ्रोज़न नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ मटर, तो मटर हमारी पक गई है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू और गोभी, और मेरे आलू बॉयल हैं और गोभी स्टीम लगी हुई है, तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, 5 से 7 मिनट में जो हमारी सब्जी है बन के तैयार हो जाएगी। तो बस अब मैं इसे ढक दूंगी। चेक कर रही हूँ मैं गोभी और थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है, तो इसे मैं 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी। और इसको पकाने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया गोभी और आलू दोनों बॉयल है और आपको वीडियो में ब्लर अंधेरा अंधेरा सा लगेगा क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है। सब्जी को देखने के बाद मैं शावर लेने चली गई थी क्योंकि पानी गर्म हो गया था और अनन्या ने भी नहा लिया था। तो सब्जी की गैस को मैंने बंद कर दिया था और मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। और ये चुन्नी देख रहे होंगे आप, तो ये चुन्नी मेरी पूजा की है। इस चुन्नी को मैं सिर्फ पूजा में इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज इस चुन्नी को मैं छूती तक नहीं हूँ। यानी कि ये पूजा की चुन्नी है, जब मैं पूजा करूँगी तभी इसको मैं ओढ़ूँगी। तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। तो पूजा हो गई है, मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। काम करने के बाद जाऊँगी किचन में, बनाने हैं पराठे और जो सब्जी की प्रिपरेशन है उसमें गरम मसाला ऐड नहीं किया था उसको भी करना है। और अनन्या ने अपनी दोनों गुड़िया, एक गुड़िया एक सोफे में, एक गुड़िया एक सोफे में रख दी और वो खेल रही है। मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और जो सब्जी है फिर से चढ़ा दी थी मैंने, गैस जला दिया था। और बस जैसे कि मैंने आपको बताया था गरम मसाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया था, तो अब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और बस फिर हमारी जो सब्जी है फाइनल टच जो था वो पूरा हो गया है और बंद कर दूंगी। आप चाहे तो धनिया ऐड कर सकते हैं और मेरा धनिया जो है ख़त्म हो गया है तो वो मैं ऐड नहीं कर सकती। और थोड़ा सा गैस के ऊपर गिर गया था तो मैं उसे साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे गंदी गैस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं साथ ही साथ गैस भी साफ़ करती रहती हूँ।
दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, वो गर्म हो रहा है और एक गिलास दूध बनाना है। और हस्बैंड, जैसे कि आप जानते हैं जो मेरी वीडियो पहले से देखते आए हैं, मेरे हस्बैंड सुबह भी दूध देती हूँ मैं उन्हें, शाम भी देती हूँ, तो दूध गर्म कर रही हूँ। एक गिलास दूध बनाऊँगी और तवा मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। तवा हमारा गर्म हो रहा है, तवे में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, क्योंकि जब लोहे के तवे में हम पराठे बनाते हैं डायरेक्ट वो गर्म होता है और हम पराठे डालते हैं आटा चिपक से जाता है, तो थोड़ा सा ऑयल का ग्रीस, यानी कि ऑयल से बनाते हो तो ऑयल का ग्रीस, अगर रिफाइंड से बनाते हो रिफाइंड का ग्रीस, या घी से बनाते हो, जो भी आप रिफाइंड तेल यूज़ करते हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं घी के पराठे बना रही हूँ, तो बस उसी को मैं थोड़ा लगा लेती हूँ ताकि जो आटा है नीचे ना लगे। तो एक पराठा बेल के डाल चुकी हूँ, और साथ ही साथ अनन्या को चाहिए था बॉर्नविटा, तो उसको मैंने बॉर्नविटा निकाल के दिया, क्योंकि उसे बॉर्नविटा ऐसे ही सूखा खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता होगा, आपके बच्चों को भी ऐसा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि उनको भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट लगा दिया है, और अनन्या देखिए आटे से कैसे खेल रही है सोफे में, और हस्बैंड कर रहे हैं ऑफिस का काम, उसका उनका ऑन ऑफ सडन ऑफिस से मैसेज आ गया था, तो बस उसी को चेक कर रहे हैं। और ये पराठा जो रखा है वो अनन्या का रखा है, तो वो अपने पापा के संग खा लेगी, इसीलिए मैंने रख दिया। तो ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन भी मांज दिए हैं, टाइम हो गया था 11:30। और यहाँ पर मैंने कुर्ता डाला है क्योंकि मुझे जाना है सोसाइटी के मार्केट में, थोड़ा बहुत सामान जो है ख़त्म हो गया है, तो बाहर तो जा नहीं सकते, सोसाइटी की जो मार्केट है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वाली वीडियो में, तो वहीं जाना है, और बस वही तैयारी कर रही हूँ, मास्क लगा लिया है, हैंड को सैनिटाइज कर लिया है, तो बस अब थैला लूँगी और बस सामान लेके आऊँगी। मैं सामान लेने के लिए निकली तो अनन्या रो रही थी, बोली थी मैं भी चाहूँगी मम्मा के संग बाहर निकलूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वो बाहर नहीं निकली है, बट उसे हम बता नहीं सकते उसे क्यों नहीं बाहर निकालना है, और बाहर बहुत तेज़ धूप है, देखिए कितनी तेज़ धूप निकली है कि ऐसा लग रहा है दिन के 2 बज रहे हैं, और मौसम का कोई पता नहीं, कभी इतनी तेज़ धूप निकलती है कि बाहर निकलने जैसा नहीं होता है, तो कभी धूप निकली होती है अचानक से मौसम बदल जाता है, तो मौसम का कुछ पता नहीं है। सामान लेके आ गई हूँ, हस्बैंड कर रहे हैं साफ़, तो वो पानी से साफ़ कर रहे हैं, पानी डिटॉल वाला है, डिटॉल वाला पानी बना रखा है, कपड़े में भिगो भिगो के सारी पॉलीथीन साफ़ कर रहे हैं, और जो साफ़ हो जा रही है मैं उन्हें टेबल में रखती रह रही हूँ एक एक करके, ताकि सब मिक्स मैच ना हो जाए। तो क्या दिन ला दिए हैं कोरोना वायरस से, कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे, ये दिन समझ सेंस मीन्स कि इतने डर के दिन देखने पड़ेंगे, और इतना डर डर के रहना पड़ेगा, कुछ सामान अगर हम लेके आ रहे हैं उसे भी इतना डर डर के खाना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं। मैंने तो भाई कभी भी ऐसे ये डिटॉल वाले पानी से सामान ला के साफ़ नहीं किया, बस सूखे कपड़े से झाड़ देती थी, बट क्या कर सकते हैं, समय समय की बात है, कहते नहीं हैं समय समय की बात है, जो कभी सोचा भी नहीं था वो भी करना पड़ रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो बस ये सबके साथ है, मेरे साथ ही नहीं हम सबके साथ है। तो यहाँ पर अनन्या को पढ़ा रहे हैं, सामान को अरेंज कर दिया है, उसका होमवर्क आ गया था तो उसके पापा उसे करा रहे हैं, उसके बाद इसकी वीडियो और उसका जो होमवर्क है उसकी फ़ोटो मैम को सेंड करनी है, के पापा उसको पढ़ा रहे हैं, और इन सब कामों के चक्कर में सामान लाना उसको अरेंज करना इसके चक्कर में कपड़े डालना भूल गई थी, तो अभी मैं डाल रही हूँ कपड़े, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट सेंस में कपड़ों का डालने की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था सेंस में गैलरी में जगह नहीं है, इन्वर्टर भी रखा है और वाईफाई का तार, टाटा स्काई का तार, ये सब यहीं से, और मशीन भी यहीं पर है, तो बस एडजस्ट करना पड़ता है, जगह नहीं है, जगह होती तो मैं कपड़ों का स्टैंड लेके आती, क्या कर सकते हैं किराए के घर में जैसा हो वैसे ही एडजस्ट करके चलना पड़ता है। कपड़े डाल के आ गई हूँ, और अनन्या के जो सिर में तेल डाल रही हूँ, हेयर लंबे हो गए हैं, बाल उसके लंबे हो गए हैं, तो ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, सूखे सूखे बाल अच्छे नहीं लगते हैं, और उसने पहनने के सॉक्स, उसको कितना बोल रहे हैं सॉक्स खोल दो बट वो खोल नहीं रहे, वो अपने मन का ही करती है। तो अनन्या की चुटिया बन गई है, और मैंने बोला था उसके सॉक्स से रिलेटेड, तो वो सॉक्स नहीं उतारती है, उसे ऐसा लगता है वो सॉक्स उतारेगी उसके पैर में कुछ कूड़ा लग जाएगा, जहाँ की अंदर पूरा साफ है, बट फिर भी वो नहीं सुनती है, तो हम जिद भी नहीं करते हैं ज़्यादा। तो अभी अनन्या को खाने हैं मखाने, और हस्बैंड को खाने हैं मुरमुरे, तो अभी मुझे करनी है उसकी तैयारी किचन में, वही हूँ मैं किचन में, और कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो रही है, हस्बैंड को मुरमुरे खाने हैं और बेटी को खाने हैं मखाने, लंच नहीं करना है इन्हें, बट बेटी के लिए ये वो जो मखाने भूनने के बाद मैंने ओट्स बनाए थे, क्योंकि मखानों से पेट तो भरता नहीं है, तो इसलिए ओट्स बनाए थे, तो सबसे पहले मैंने उसके लिए थोड़े से जो मखाने हैं घी में फ्राई कर दिए थे, और नमक डाल दिया था, तो स्लो टू मीडियम फ्लेम में, ये तो सबको फ्राई करने आते होंगे, उसको फ्राई करके दे दिया था, और फिर उसके बाद मैंने उसके लिए ओट्स बनाए थे
आधे घंटे के अराउंड में, क्योंकि आधे घंटे बाद भूख लगी जाती है, मखाने में घी है इसलिए हेल्दी है। तो उसके बाद उसको ओट्स बना के मैंने खिला दिया था। तो अनन्या को मैंने मखाने दे दिए हैं और यहाँ पर मैंने मुरमुरे जो है वो फ्राई करने रख दिए थे, यानी कि बनने के लिए रख दिए थे। इसकी रेसिपी मैं आपके संग शेयर कर चुकी हूँ तो नहीं किए, तो यहाँ पर मुरमुरे भी बन के तैयार हैं, आप लोग भी खा लीजिए। अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं मखाने और मुरमुरे को इंजॉय, तो आप लोग भी अपने अपने घर में खा लीजिए, ये तो नहीं कह सकती यहाँ आ जाइए। तो अनन्या नीचे खड़ी थी, मैंने उसको कहा बेटा ऊपर आके खाओ, और अनन्या के हाथ में आप चम्मच में देख रहे होंगे कुछ, तो वो है पीनट बटर। तो अनन्या को ऐसे चम्मच से पीनट बटर खाना बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी देर बाद आपसे फेस टू फेस मिल रही हूँ। तो अभी आपने देखा था मुरमुरे बनाए थे मैंने और मखाने बनाए थे बेटी के लिए, तो वो खा लिए। तो चाय वगैरह अभी नहीं पिए, वो बाद में पियेंगे। तो मैंने एक सोचा, अनन्या कार्टून देख रही है, हस्बैंड थोड़ी न्यूज़ सुनने, मैं भी सुन रही थी, बट मैंने सुनते सुनते दिमाग ख़राब हो जाता है। न्यूज़ सुनो तो बस वही कोरोना वायरस की खबर होती है, उससे तो वैसे भी दिमाग में एक टेंशन है, न्यूज़ सुनने के बाद और ज़्यादा कहीं ज़्यादा टेंशन हो जाती है, ये सोचते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने सोचा थोड़ा 5 मिनट दिमाग में रेस्ट ले लूँ, टेंशन हो गई थी सुन के। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, साथ ही साथ ब्लॉग का भी एंड कर लूँ, शायद आपको भी मेरे जैसा फील होता है। अगर न्यूज़ चलाओ तो बस वही सुन के, अच्छा तो सुनने को मिलता नहीं है, एक आध केस बड़े हुए या 100 ऐसा कुछ बड़े हुए सुनने को मिलता है, कोरोना वायरस के केस बड़े हुए मिलते हैं, तो थोड़ा टेंशन होने लगती है कि किस दिन बाद क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा नहीं होगा। उम्मीद तो यही करते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, माता रानी से, होप्स हो सब कुछ ठीक हो, हमारे इंडिया में नहीं इंडिया से बाहर भी सब कुछ ठीक हो। अपने साथ बाहर के लोगों के लिए भी प्रार्थना, बाहर के देशों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो दूसरों के लिए भी करें। तो यही उम्मीद करते हैं सब ठीक हो जाए, बट न्यूज़ सुन सुन के दिमाग टेंशन हो गया है, और बाहर भी नहीं जा सकते, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन है, तो घर में रह रहे कि ये न्यूज़ सुन सुन के जो दिमाग में इतना प्रेशर बन चुका है कि क्या होगा कैसे होगा, बट होप्स हो अच्छा हो। तो बस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि लंबा ब्लॉग कोई देखता तो है नहीं, और ज़्यादा मैं बात करूँगी नहीं क्योंकि आधा ब्लॉग भी कोई नहीं देखता है। तो अभी थोड़े बहुत काम करूँगी, ऐसे ही घर के काम है, कपड़े वगैरह फोल्ड करने हैं तो उनको करूँगी, और सबसे पहले करूँगी ब्लॉग का एंड। तो गाइस ये था मेरा एक सिंपल सा ब्लॉग, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।